टेंशन से भी इंटरव्यू देते हुए जब T20 वर्ल्ड कप के अंदर इंग्लैंड के खिलाफ खेल रहे थे तो वो अपने घुटने की जो पेन है वो बहुत ज़्यादा फील कर रहे थे, उनको घुटने का बहुत शदीद दर्द था, उन्होंने वो रिहैब भी उसका करवाया। आइए सुनते हैं उनके जबानी। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। आपका घुटना पूरी तरह से वो सेहतमंद नजर नहीं आ रहा था जब वर्ल्ड कप खेलने आए, और उसके बाद जिस तरह से आपने परफॉर्मेंस किया अपनी टीम के लिए क्रूशियल मैचेस में, चाहे वो सेमीफाइनल हो या बांग्लादेश के खिलाफ, कैसे किया? और क्योंकि मैंने बहुत सारे गेंदबाजों को इस सिचुएशन से भागते हुए देखा है, लेकिन आप नहीं भागे। पहले तो इरफान भाई थैंक यू सो मच। आई थिंक जब आपकी बात आ जाती है कि स्टार के लिए खेलना है, मुल्क के लिए खेलना है, तो आई थिंक ये जो दर्द वगैरह ये सारी चीजें आप भूल जाते हैं, और इतने बड़े स्टेज पे वर्ल्ड कप के लिए। और जब मैं इंजर्ड भी था यही सोच रहा था कि यार सीरीज खैर है, बट मेरी कोशिश थी और ऊपर से अल्लाह पाक ने काफी हेल्प की है, मेरा यही था कि वर्ल्ड कप के लिए अपने आप को फिट रखूँ। जल्दी जल्दी जो डॉक्टर जो ट्रेनर की रिक्वायरमेंट होगी उस पर मैं पूरा उतरूँ। तो आई थिंक मैंने सिर्फ काम किया। हाँ, पहले दो तीन मैच में वैसा नहीं नजर आया, क्योंकि ऑफकोर्स आपको पता है बिल्कुल, और इंजरी के बाद बहुत टाइम लगता है, और वैसे आप अगर खेलते भी नहीं हो, प्रैक्टिस भी नहीं करता, तो फिर तो बहुत लगता है। तो वर्ल्ड कप के बाद आज जो भी मैच में हो, क्योंकि यहाँ तक जो आपने काम किया अपनी टीम के लिए काबिले तारीफ, और मैं उम्मीद करता हूँ पाकिस्तान क्रिकेट आपको थोड़ा ज्यादा वो स्पेस दे, थोड़ा ज्यादा संभाल के रखे, क्योंकि आप बहुत स्पेशल क्रिकेटर हो। आप वर्ल्ड कप के बाद क्या शाहीन साहब ने कोटे को आराम देंगे? देखिए, मैंने जैसे कहा कि अगर मुल्क को मेरी जरूरत पड़ेगी तो ऑफकोर्स हर जो भी फॉर्मेट होगा मैं हमेशा उनके लिए हाजिर हूँ। और आई थिंक काफी मेरे जो मैनेजमेंट है मुझे थ्रू आउट मुझे मैनेज कर रहे हैं। ऑफकोर्स मैं चाहता हूँ कि ज्यादा क्रिकेट खेलूँ, क्योंकि प्राइड फील होता है जब आप पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं, हर कोई अपने मुल्क के लिए खेलता है, तो मेरा भी यही है कि हर फॉर्मेट खेलूँ। बट हाँ, जो डॉक्टर्स जो फिजियोस कहते हैं उस पर मैं पूरा होता हूँ। साउथ अफ्रीका और नेदरलैंड्स का जो मुकाबला था, तब पाकिस्तान टीम के खेमे में क्या चल रहा था, क्या जहन में चल रहा था? क्या घर पे वापस जाना या उम्मीद थी कि नहीं नेदरलैंड हरा सकती है साउथ अफ्रीका को? देखिए, जो ओवरऑल उन्होंने क्रिकेट खेली थी काफी अच्छी, और उनके कुछ प्लेयर थे जो काउंटी बिग बैश के लिए थे इरफान भाई, तो हमें ऐसा लगा कि ऑफकोर्स अगर हमें जिम्बाब्वे हरा सकती है तो वाई नॉट नेदरलैंड भी हरा सकती है किसी को भी। तो होप था, उम्मीद, जैसे उम्मीद पे दुनिया कायम है, तो हम भी वही कर रहे थे। बट जैसे सिचुएशन थी तो फिर हमें और बूस्ट मिला, फिर हमने बांग्लादेश के साथ जैसे खेला, जैसे हमने फिर सेमीफाइनल किया, तो आई थिंक वो मोमेंटम अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास है। शाहीन अफरीदी पे वो वक्त आया जब वो बहुत मुश्किलात का, वो बहुत पेन फील कर रहे थे, उनसे बॉलिंग भी नहीं करवाई गई थी, आखिरकार वो उन्होंने कम बैक किया PSL 8 के अंदर, ये दूसरी ट्रॉफी उन्होंने उठाई। मेरे चैनल को सब्सक्राइब